झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय लगातार एक से बढ़कर एक मामले को उजागर कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर दिया है। अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर ईडी कार्यालय बुलाया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ करेगी। अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया था। पंकज मिश्रा और पिंटू के बीच बातचीत का विवरण ईडी को मिला है। इसी के आधार पर ईडी की टीम ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी किया है। आपको बता दें कि विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ईडी की टीम अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन करना चाहती है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा कोई भी गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। ईडी के द्वारा न्यायालय से पंकज मिश्रा की रिमांड की मांग की गई थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।